लगातार बारिश में नहाए ये पत्थर, जमीन, जंगली वनस्पति और सुनसान रास्ता। दूर से बोल बम के नारे लगाते कुछ शिव भक्त नजर आते हैं। शिव भक्त पथरीली राह पर अग्रसर हैं, सफर चल रहा है। मंजिल है सासाराम का गुप्त धाम। रास्ता इतना सुनसान कि सन्नाटा गूंजता है, कदमों की आहट दिल में डर पैदा करती है। लेकिन ये डर ही इस सफर का सबसे बड़ा रोमांच है। चलते चलते पहाड़ी गांव का बाजार सा नजर आता है। मेले की दुकानें सजी हैं और बमजी के हाथ में नजर आती है बंदूक। भक्ति का हथियार से क्या वास्ता, आप यही सोच रहे होंगे। लेकिन शिवजी को भी अपनी हिफाजत के लिए हाथ में त्रिशूल रखना पड़ता है। इलाका नक्सली है, लिहाजा बमजी के हाथ में बंदूक भी लाजमी है। हथियारों से लैस 30 से ज्यादा शिव भक्त इस दुर्गम पहाड़ी पर आने वाले भक्तों की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि कोई वारदात होने के बाद अगर आप पुलिस को इत्तला देना चाहेंगे तो पुलिस भी कई घंटों तक यहां पहुंच नहीं पाएगी। लिहाजा यहां कांवर के साथ हथियार भी उठाना पड़ता है। हरियाली की चादर ओढ़े पहाड़ों के ये ऊंचे नीचे और दुर्गम रास्ते आसान नहीं है। यहाँ हाथ में लाठी और जुबान पर भोले बाबा का नाम होता है और हर कठिनाई पार हो जाती है। सासाराम से 65 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत श्रृंखला में भगवान गुप्तेश्वर नाथ महादेव का यह सफर बेहद दुर्गम है। ये कठिन यात्रा शुरू होती है पन्यारी घाट से। करीब 3 किलोमीटर की खड़ी और खतरनाक पहाड़ी पर चढ़ाई के बाद शिव भक्त देवी स्थान पहुंचते हैं। ये यात्रा का पहला पड़ाव है। इसके बाद हनुमानगढ़ी, अमुवाचुआ और सुगिया पहाड़ के पड़ाव है। लाइसेंसी हथियार के साथ है। तो क्या मजबूरी है कि आप लोग अपना हथियार लेकर प्रशासन यहाँ टाइम से नहीं पहुँच पाता है, आता है भी है, जितना जाते हैं खबर पड़ता है दूसरा तीसरा दिन आता है। तो प्रशासन की क्या जरूरत है, किस तरह का भय है आप? यहाँ दो टापू का आटा है, पूरा पैंगुल पहाड़ जंगल है, नक्सलियों का आटा है। वो लोग आते हैं धमकाते हैं पैसे छीनते हैं, इस तरह की कोई घटना घटती है? धमकाते हैं हमको, अच्छा, लेकिन आते हैं पर सामने नहीं है, इसलिए आप अपनी सुरक्षा में अपने जवानों के साथ अपने लड़ाकों के साथ रहते हैं। सफर के एक पड़ाव पर यह झरना आपको बाहुबली के महेशमती राज्य की याद दिलाएगा। लेकिन ये ग्राफिक्स इफेक्ट नहीं है, कुदरत का करिश्मा है। कुल 25 किलोमीटर की यात्रा के बाद खड़ी पहाड़ी से करीब 2000 मीटर नीचे उतरना पड़ता है। यहाँ से शुरू होती है भक्ति की असली परीक्षा। सफर में सामना होता है सुगवा नदी से। सावन में नदी के पाट खुल जाते हैं, पानी लबालब हो जाता है, ताकि बाबा के दरबार में पहुंचने वाले भक्त अपने पांव पखार लें। रस्सी के सहारे ये नदी पार की जाती है। धारा करंट से भी तेज, गर्दन तक पानी में डूबे शिव भक्त हर हर महादेव, बोल बम, ओम नमः शिवाय कहते हुए नदी पार कर जाते हैं। नदी पार करने के बाद श्रद्धालुओं की शारीरिक थकान दूर हो जाती है। सफर का अहम हिस्सा है ये गुफा। अंधेरा इतना कि कदम कदम पर लाइट जला कर रखनी पड़ती है। दम घुटता है, लेकिन बोल बम का नारा दम में दम डाल देता है। पन्यारी घाट से पहाड़ी पर चढ़ाई के बाद सुगिया नदी से पहले शिवजी की गुफा तक दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ते में सुगिया नदी तो दूसरे में दुर्गावती नदी पड़ती है। दुर्गावती नदी वाले रास्ते में ही प्रगटनाथ महादेव का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि भस्मासुर से लड़ाई के बाद जब शिव जी अलौकिक रूप में थे, तब पहली बार यहीं प्रकट हुए और फिर इसी स्थान पर विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था।
भैया जब भस्मासुर शंकर जी के चहेट के बोले आइन विष्णु भगवान पार्वती के रूप धारण करता आ पार्वती के रूप धारण करके गुफा के अंदर जाके भस्मासुर के भस्म कर तब शंकर जी के जनवास रुका महाराज रुका भस्मासुर जल गई आ तना ये बात माने तो हम तैयार नहीं भस्मासुर जल कैसे जल गई तो फिर विष्णु भगवान के पुनः पार्वती के रूप जनवास धारण करे के पड़े तब विष्णु भगवान शंकर जी कहना हमारा भस्मासुर जल। यहाँ शिवलिंग का आकार हर साल थोड़ा बढ़ जाता है। कहा जाता है कि गुप्त धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को प्रगटनाथ का दर्शन नहीं करने पर यात्रा अधूरी रह जाती है। प्रगटनाथ जो है आज से 200 वर्ष पहले गुप्ता धाम से नहीं दक्षिण एक हसड़ी गाँव है वहाँ के कोई आदमी ने जो है स्वप्न देखा कि भाई हमको चलो पूजा करो। वो आया एक बार भेंट नहीं हो गुफा नहीं खोज पाया उसके बाद फिर पुनः स्वप्न देखा गुफा उसको मिला जो है गुफा में हुआ कहा कि हम तो प्रतिदिन आ नहीं सकते हैं तो साल में एक बार तू मेरा पूजा कर दो साल में दीपावली के दिन 365 दीप जलता है उसमें पूजा पाठ होता है आदमी और वो अब जो है अपना दहेज में लड़की को दे दिया भूखड़ा के लोगों को जो कि आज गुफा भूखड़ा के अंदर है। चलिए सफर का मुकाम आखिर आ ही गया हम प्रकटेश्वर महादेव के गुप्त धाम पहुंच गए। मंदिर के अहाते में ये दर्जनों घंटियां आपका स्वागत करती हैं। पुजारी बाबा की प्रतिमा और साथ ही घाटी की ओर झांकते मंदिर के एक हिस्से में पावन शिवलिंग। सफर की थकान और डर का अब नामो निशान नहीं है। वातावरण में भजन गूंज रहे हैं। शिव भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ लाल का खौफ नहीं भगवा का असीम आनंद है। जगह जगह धुनियां रमी है और अब आस्था जमकर बरसने वाली है। गुप्त धाम की गुफा में विराजमान शिव के जलाभिषेक के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह का कष्ट ना हो इसके लिए स्थानीय लोगों ने हथियार उठा लिए। आज भी दुर्गम पहाड़ियों की चढ़ाई करना सबके बस की बात नहीं। रोहतास से रंजन सिंह की रिपोर्ट न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।